हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? तो ये एक मेरा है आज डिफरेंट सा पार्सल आपके साथ शेयर करने को मेरा बहुत दिल किया। और ये क्या है इसको ओपन करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई मेकअप नहीं है, क्लॉथिंग नहीं है। ये मैंने, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मेरा सबसे पहले जो ईद हॉल था उसमें मैंने इनका पेज टैग किया था। मैं उसका पेज अगेन टैग कर दूंगी, उसका मैं आई बटन पे जो है वीडियो डाल दूंगी, आप वो भी लाजमी देखें। और ये हम आपके साथ आज डिफरेंट कुछ कलेक्शन में अपनी शेयर करने लगी हूँ जो अनकरीब लास्ट पे मेरी 2021 के लास्ट पे बनेगी ज्वेलरी हॉल लास्ट, ठीक है। तो अब ओपन करते हैं और आपको फर्दर दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन सी। ओके, तो जैसे कि आपको शो हो रहा है ओपन मैं कर चुकी हूँ। 2610 का जो है ये पार्सल था, ठीक है। और एक्चुअली इसमें से मैंने हाफ पहले मंगवाया था और जो है वो सम कोरियर्स वगैरह वाले इशू कर रहे हैं, इसको जो है वो डिलीवरी नहीं दे रहे कुछ पॉइंट्स पे, तो ये चक्कर है। इस वजह से उन्होंने फर्दर मेरा बैग गया। वो काफ़ी हम्बल हैं, उन्होंने बड़ी नाइस डीलिंग की। उन्होंने कहा मैम आप वरी ना हो, आप पार्सल आ लेने दें, मैं आपका कम्बाइंड ऑर्डर दोबारा सेंड करूँगी। पैकेजिंग आप देख चुके हैं, इतनी ज़बरदस्त बबल रैप में ये डबल थी। मैंने जस्ट चेक करके मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया और बहुत क्विक सर्विस थी। आ गई मुझे दोबारा पार्सल। ओके, अब इसमें से एक पैकेट आपको खाली नज़र आ रहा होगा, वो बैंड का था गाइस। वो एक्चुअली ये निकाला तो मेरी बेटी ने फौरन निकाल लिया उसको, ऑब्वियसली पहनने के लिए। वो मैं आपको शो करवाऊँगी इसके बाद नेक्स्ट कि वो कौन सा था, मैं ज़रा उसको फाइंड कर लूँ कि वो दुनिया के किस। तो वो तो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन फर्दर अभी बात कर रही थी मैं इनके पेज की। आप कुछ आइटम्स मेरे सामने कैमरे के सामने शो हो रही हैं। और सबसे पहली बात कि मैंने इनके कुछ अपने अभी भी एक दो एयरिंग्स कुछ सेट्स रिजर्व करवाए हैं। बहुत ही अमेजिंग पेज है और मुझे इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी लगी। आप मस्ट एक दफ़ा इनका पेज विज़िट करें। आप फौरन कहते हैं क्विक सर्विस के, आपको फौरन जो है ना आंसर करती हैं वो। और आप जो भी जैसी भी चॉइस वो मतलब कलेक्शन लाती रहती हैं न्यू एंड न्यू, तो उसके लिए बड़ा जो है ना इजी हो जाता है। ओके गाइस, ये लें, ये था वो बैंड जो मैंने चूज़ किया था। सिल्क स्टफ़ में है, कॉटन टाइप नहीं है, अच्छा है, मतलब वॉशेबल कलर भी, टिशू टाइप जैसे हम कह सकते हैं, मिक्स फैब्रिक में है और इलास्टिक बैंड की तरह है। सिंपल वो जैसे हाफ बैंड है वो नहीं है, फुली कवर पीछे से करेगा आपके हेयर्स को। और अच्छा, अब पैकेट स्टार्ट करती हूँ मैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इससे, जिसके अंदर मुझे अपना थैंक यू कार्ड भी बीच में मुझे अपना सेंड किया था। और इसको करते हैं ओपन और इनको करते हैं थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं ताकि इजी रह जाए आप लोगों के साथ शो करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ ये थैंक यू कार्ड उनका शेयर करते हैं। ये उन्होंने आपको, उन्होंने मुझे साथ सेंड किया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन लॉट्स ऑफ दिस वन नहीं हो गया गाइस। ओके, ये टोटल जो है वो सेट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है स्क्वायर, ओके, ये जो हमारे हूप्स हैं स्क्वायर में, मैंने रियली कुछ भी नहीं ओपन किया, मतलब कि मैंने एक भी पैकेट में से नहीं निकाल के देखा। जस्ट बैंड बेटी को बहुत अच्छा लगा, उसने फौरन जो है वो पिक कर लिया कि मामा ये अब आप बाकी अपनी जो है अपनी चीज़ें संभालें। मुझे था पहले मैं लाजमी वीडियो बना लूँ, उनके साथ भी शेयर करूँगी। बहुत ही लाइट वेट, ब्राइट गोल्ड नहीं है, जैसे मीडियम मेटैलिक टाइप उस तरह का है। और बहुत ही मतलब साइज़ भी बहुत परफेक्ट है, कि ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जी आपने पहने तो बहुत बड़े बड़े नॉर्मल वेयर में आप सोचते हैं कि यार कोई इस तरह के भी हों जो हम इजी वेयर कर सकें, तो उसके लिए मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये वाले। ओके जी, उसके बाद अब आ जाते हैं इस पर। अच्छा, इसमें उनके पास 2 से 3 कलर अवेल थे। अब आई डोंट नो उनके पेज पे अवेल होंगे कि नहीं होंगे। इनकी प्राइजेस जो हैं वो साथ उन्होंने मेंशन की होती हैं अपने एयरिंग्स। अच्छा, इनके आपको ये चक्कर नहीं करना पड़ता, जैसे सम पेजेस का मैंने देखा है, उनको मैं ख़ुद भी डीएम करती हूँ कि काइंडली आप अपनी प्रोडक्ट्स के साथ अपनी कलेक्शन के साथ प्राइस मेंशन किया करें। इसका ऐसा कुछ इशू नहीं है, आपको उन्होंने हर चीज़ के साथ साथ प्राइस मेंशन की होती है। इतनी रीज़नेबल प्राइजेज हैं और आप उनमें आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि भाई हम पहले पूछेंगे वो हमें बताएंगे। अच्छा, इसमें आई थिंक एक ग्रे टोन में था, एक रेडिश टोन में था, मुझे ब्लू में ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट कलर हो जाए कलेक्शन में, ताकि आपके पास कलेक्शन ऐसी हो जो आप मिक्स एंड मैच हर जगह वेयर कर सकें आसानी से। ओके, अब अच्छा ऊपर का जो इसका है वो टॉप सा वो गोल्ड में है गाइस, नीचे वाला जो है वो क्लैरिक टाइप है, ये वाला हल्का सा जैसे टेक्सचर टाइप लिटिल बिट गोल्ड मेटल में है, ठीक है।
अच्छा अब ये जो स्मॉल से हैं ये मिनी माउस की तरह के उन्होंने बनाए हुए हैं, ये मुझे सबसे पसंद आए थे अपनी बेटी के लिए, बहुत ही क्यूट, जैसे गर्ल्स टीनएजर्स होती हैं या कॉलेज गोइंग, क्योंकि उनके लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं कुर्ता वगैरह के साथ या सिंपल टॉप्स वगैरह के साथ ये मिनी से स्टर्ट्स, और इतने क्यूट हैं गाइस के मतलब कमाल की चीज़ है, मुझे बहुत ही प्यारे लगे ये वाले, कि बहुत अच्छी जो है ना मुझे इनकी कलेक्शन लगी। ओके अब कर लेते हैं इसको ओपन, ये मिनी स्टूव मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ओके ये है फ्लोर और ये बहुत ही प्रिटी है, ये प्लास्टिक टाइप नहीं है, ये मेटल में है और मतलब इतने क्यूट से मिनी से बनाए हुए हैं कि मतलब इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँ तो कैसे करूँ कि लोग कहेंगे भाई ज्वेलरी पे इतनी जो है वो एक्साइटमेंट अपनी शो कर रही है, लेकिन मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है, ज्वेलरी की कलेक्शन, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ कि जी सिर्फ मुझे ड्रेसेस का शौक़ है, मुझे शूज़ का शौक़ है, मुझे ज्वेलरी का भी बहुत शौक़ है, मुझे मेकअप का भी बहुत शौक़ है, मतलब मुझे कलेक्ट करने का चीज़ें, और मतलब ये सिर्फ कलेक्ट करना ये नहीं होता है बस कलेक्ट कर ली और फेंक दी, मुझे अच्छे से रखने का भी बहुत शौक़ है। अच्छा जी अब बात आ जाते हैं अपने ये मिनी सा पैक, इसमें हमें उन्होंने स्मॉल स्टड्स दिए हुए, मीडियम दिए और एक उन्होंने पर्पल लाइलेक कलर दिया हुआ है, ठीक है लाइलेक कलर जैसे हल्का सा फ्लावर टाइप लुक आ रही है जैसे राउंड से और अंदर से वो एम्प्टी होल की तरह है, जैसे ट्राइंगल टाइप लुक कह सकते हैं मेरा ख्याल है, सिल्वर कवरिंग है उसकी मेटल में और अंदर से जो है वो लाइलेक में है, और ये भी बहुत ही प्यारे छोटे से जो हैं वो यूज़ होने वाले हैं। ओके अब हम बात कर लेते हैं अपने जो पैकेट पहले ओपन किया था उसमें से लास्ट वन पैक की, ठीक है और इसमें हमारे पास टोटल पेयर हैं 6, ठीक है फर्स्ट वन इज़ गोल्ड, सिंपल गोल्ड मेटल में, ठीक है फर्दर उसके नीचे हम मूव करें तो हमारे पास जैसे बटरफ्लाई टाइप है, उसके नीचे एक्स्ट्रा स्टोन है और उसके नीचे है मेटल में ही रेड बटरफ्लाई, रेड एंड वाइट, ठीक है अब हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो उसमें हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है वाइट जैसे स्मॉल स्टड और सेम ग्रीन में हमें दिया हुआ है एक बटरफ्लाई और नीचे हमारे पास है हार्ट, ठीक है मेटल में, और ये टोटल जो है ये 6 पेयर्स हैं और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, मुझे इस तरह तो याद नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया कि जो भी कलेक्शन उनके पेजेस पे होगी प्राइजेज हर एक के साथ उन्होंने मेंशन की हुई है और बहुत रीज़नेबल कलेक्शन है। ओके अब ये एक पैकेट हो गया पूरा क्योंकि ये मैंने बाद में ऑर्डर किया था जो मैंने अब आपको दिखाया है, ठीक है और जो मैं अब आपको अब ओपन करके दिखाऊंगी ये वो पैकेट था जो मेरा डिलीवर नहीं हुआ वापस गया और उन्होंने फिर कंबाइन मुझे ऑर्डर भेजा, ठीक है अब ये वाला करते हैं ओपन, थोड़ा सा मैं इनको कर लेती हूँ पहले साइड पे ताकि थोड़ी सी ताकि आपको कलेक्शन भी नज़र आती रहे और थोड़ी सी मेरे पास स्पेस क्रिएट हो जाए आपको फर्दर बाकी चीज़ें शो करवाने के लिए, ठीक है ओके जी इसकी कर ली मैंने थोड़ी सी सेटिंग फटाफट और अब आपको दिखाते हैं कि इसमें मेरे पास कौन सी चीज़ें थी। इसमें मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल हूप्स की कलेक्शन, आपको अगर याद हो मैं फिर कह रही हूँ मैं पेज ऊपर आई बटन पे वीडियो डाल दूँगी उस पर देखिएगा, मेरे पास हूप्स की पहले भी फुल जो बिग साइज़ राउंड शेप में है वो भी है मेरे पास और ये वाले मैं आपको ये मतलब रेक्टेंगल शेप में है लॉन्ग में, ठीक है और ये वाले भी बहुत ही ज़बरदस्त, फर्स्ट मेरा यही थे मुझे अच्छे लगे उनके पेज पे तो ये वाले मैंने सेलेक्ट कर लिए थे, आई थिंक ये तब लास्ट ही था, मुझे अब आइडिया नहीं कि उनके पेज पे नेक्स्ट अवेल होंगे कि नहीं होंगे, और अब दिखाती हूँ मैं आपको ये वाली क्योंकि अब ऑब्वियसली अब ईद आ रही है तो उसमें मिक्स एंड मैच जो है वो यूज़ हो जाते हैं, आपको तो फिक्स मैं कभी भी ऐसी चीज़ नहीं लेती ड्रेसेस के साथ मैच करके क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगे मैं उसको पिक कर लेती हूँ फटाफट, चाहे मैं मार्केट गई हूँ किसी मॉल पे हूँ या ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं परफेक्ट डे फिक्स नहीं किया होता भी आज ही जाना है और शॉपिंग करनी है, तो इसलिए मिक्स एंड मैच चीज़ आपके पास हो तो आपकी ड्रेसेस के साथ जो है वो मैच हो जाती है। ये वाला कलर मैं आपको थोड़ा सा शो करवाऊँ, जैसे मार्बल इफेक्ट होता है ग्रीनिश पर्पलिश मतलब एक्वा टाइप उस टाइप का है, गोल्डन इसकी कवरिंग है साइडों पर उन्होंने की हुई और ऊपर भी जिस तरह स्क्वायर में है लेकिन उन्होंने शेप उसको ऐसी दी हुई है जैसे वो रेक्टेंगल शेप होती है डायमंड टाइप उस तरह की दी हुई है, और ये भी कर लेते हैं इधर और अब आप ये स्मॉल स्टड्स की स्मॉल स्टड्स पहले ओपन कर लेते हैं, कितने पेयर्स हैं ये मैं आपके सामने आपको दिखाती हूँ, ये फुल पैक ही था और ये पैक ही आप ले सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते कि हमें 2 चाहिए या 3 पेयर्स चाहिए, ये उन्होंने सेट ही बनाए हुए थे, आई थिंक 2 सेट्स थे और सॉरी कि मुझे नहीं कोई भी आई
कि अभी भी ये उनके पेज पे मेरे जो हैं वो टू जो हैं मेरे रिजर्व करवाए हुए हैं। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ इसमें पेयर्स कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 पेयर्स हैं गाइस इसके अंदर। कुछ मेटल में हैं, कुछ ऊपर वेलवेट टाइप में हैं, कुछ साथ साथ में आपको देख देख के शो करवाती हूँ। कुछ प्लास्टिक से फिलिंग टाइप होते हैं, कुछ इस टाइप के हैं, ठीक है। जैसे चेक में है, स्नेक टाइप का ऊपर टेक्सचर है, वेलवेट में है, इस टाइप के सारे मिक्स एंड मैच आपको कलर शो हो रहे हैं। ब्राउनिश ब्लैक चेक में, और एक के अंदर ब्लू सा इफेक्ट है, एक में गोल्ड सा इफेक्ट है, ठीक है। ये 9 पेयर्स का सेट था। और आ जाते हैं अपने इस नेकलेस पे। ओके, इस पे उन्होंने लिखा हुआ है थैंक यू शॉपिंग फॉर शॉपिंग, थैंक यू फॉर शॉपिंग, क्योंकि ये मुझे उन्होंने फर्स्ट पार्सल के साथ गिफ्ट रखा था। ये उन्होंने कहा था कि आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा आपके ऑर्डर के साथ, जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था। ये तो बाय चांस मिक्स हो गया हर चीज़ इकट्ठी। ओके गाइस, इसको करते हैं ओपन एंड थैंक्स फॉर अ लवली गिफ्ट। ये मैं आपको, फुल मेटल का है और इसकी चेन भी अच्छी खासी हैवी है, बहुत लाइट नहीं है। ये मैं इसको थोड़ा सा इसको सेट करके आपको शो करवाती हूँ कि किस टाइप का है। मतलब देखने में आपको ऐसा ही लग रहा था मुझे भी कि जो पैकेट में था कि नहीं बड़ा हैवी सा होगा, लेकिन बहुत ही लाइट वेट है। और जैसे पर्पलिश ब्लू कलर है इसमें, जो स्टोन टाइप उन्होंने फिलिंग की हुई है इसमें सारी, और इस तरह ऊपर लाइंस का टेक्सचर है। चेन में आपको थोड़ी सी नज़दीक से दिखा देती हूँ किस तरह की है इसकी, ठीक है। ग्लाइट डल, बिल्कुल डल गोल्ड में। और थैंक्स अगेन फॉर अ लवली गिफ्ट, बिकॉज किड्स वगैरह या गर्ल्स जो हैं उनके मोस्टली यूज़ में आएगा, मेरी बेटी के। ओके जी, ये हो गया 2 पैकेट्स। अब जी है सरप्राइज पैकेट जो हम ओपन करेंगे, जो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी, और मैं इतनी खुश हुई थी। जब आप किसी को इतना अप्रिशिएट करते हैं, और मैं, मुझे उन्होंने वाकई नहीं बताया था कि हम आपको इस बिहाफ पे देंगे। उन्होंने मुझे गिफ्ट सेंड किया मेरे 20K और इंस्टाग्राम के, मेरे इंस्टाग्राम के 20K फॉलोअर्स होने पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने जो है, मतलब इतना प्यार, इतना ख्याल कि आपने मेरे लिए गिफ्ट भेजे, थैंक यू सो मच। चलें इसको ओपन करते हैं। और ये, मतलब ये ना स्पीचलेस है फीलिंग्स के, मैं इसमें क्या बताऊँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका थैंक यू का कार्ड, और एक उन्होंने मुझे भेजे हैं हूप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फेवरेट्स और बहुत ही प्यारे हैं। और ये मुझे उन्होंने भेजा है स्मॉल नेकलेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हूप्स को ओपन कर लेते हैं। हूप्स हल्के से जैसे कर्विंग टाइप, जैसे किसी चीज़ को कर्व किया हो, बिल्कुल प्लेन नहीं है गाइस, हल्के से फोल्डिंग में है। मैं इनको निकाल लूँ पहले, फिर मैं आपको इनका थोड़ा सा क्लोजअप करके ना मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा समटाइम ओपन नहीं होता, ये देखें इस टाइप का, जैसे बल में है। ये भी गोल्ड में है और इनका लॉक इस तरह का है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ इनका लॉक भी। और ये देखें, मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखा दिया। और अब बात कर लेते हैं सेकेंड वन की, इनका स्मॉल सा नेकलेस, बहुत ही प्रीटी स्मॉल सा, वेरी नाइस शेड। ओके, आप इसका स्टोन चेक कर लें और इसका टेक्सचर, मतलब किस टाइप का है, क्वाइट एलिगेंट और प्रीटी वन, मतलब बहुत ही खूबसूरत गर्ल्स के, मतलब ये तो मेरे भी इजी में आई थिंक मैं वेयर कर सकती हूँ आराम से अपने कुर्ताज के साथ अपने डेली बेसिस पे। थैंक यू सो मच कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आपको कोई बताए और आपको पता हो कि कोई PR ही भेज रहा है, कर रहा है, और मैं बहुत खुश हुई कि उन्होंने मुझे लिए स्पेशल, मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया, मेरे लिए गिफ्ट भेजा। थैंक्स वंस अगेन। और गाइस, ये थी मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी की कलेक्शन जो मैंने मंगवाई, और मेरा इस दफ़ा दिल था कि ईद हॉल में के बग़ैर पहले शेयर करूँ, क्योंकि ईद हॉल में तो जस्ट ज्वेलरी का वो मैक्सिमम रहता ही है, 1 डे 2 डे 3 डे 2 डे तो ये तो चलता ही रहता है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा दिल था कि इस दफ़ा आपके साथ जस्ट ज्वेलरी की कलेक्शन शेयर करूं। हाँ, मैंने अभी रिज़र्व करवाए हुए हैं, तो अगर मे भी वो मेरे ईद से पहले पहुंच गए तो इंशाल्लाह वो भी ऐड हो जाएंगे। ओके, आपने मुझे बताना है कि मैं इनको थोड़ा थोड़ा मतलब स्पेस करके रखती हूँ ताकि आइडिया हो जाए। आपने मुझे बताना है आपको कौन से ईयरिंग्स सबसे ज़्यादा बीच में से अच्छे लगे, और मुझे तो ओवरऑल सारे बहुत प्यारे लगे। मिनी से, जो मिनी माउस टाइप के, वो तो बहुत ही क्यूट से हैं, और हुप्स तो मेरे फेवरेट्स हैं, सारे ही मेरे फेवरेट्स हैं। बैंड्स में ऑब्वियसली इनसे और मंगवाऊंगी, मुझे बैंड बहुत अच्छे लगे। क्रंचीज इनके पास अवेल हैं, जो क्रंचीज के लवर्स हैं वो इनका पेज एक बार गाइस मस्ट चेक करें। बहुत कम पेजेस होते हैं, तो इंस्टा पे इतने ऑनलाइन पेजेस हैं, लेकिन बहुत कम पेजेस होते हैं जो आपके फेवरेट वन बन जाएँ।
तो प्लीज़ एक दफ़ा आप जाएं और जो है ना लाजमी चेक करें इनका पेज, क्योंकि एक सिर्फ बाय करना नहीं होता है, एक एक दूसरे की सपोर्ट होती है कि एक आप वर्क कर रहे हैं और उसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो बहुत वो जो है ना मायने रखता है। ओके गाइज, एक और चीज़ के जिस तरह मैंने इसमें से कुछ चीज़ें मंगवाई हैं जो मैंने एज ए गिफ्ट रखनी है, क्योंकि ये नहीं होता कि बस आपने चीज़ ली है और उसको अपने यूज़ में ले हैं। समटाइम डील्स आपको अच्छी लगती हैं तो आप पिक कर लेते हैं, कुछ के कमेंट्स समटाइम ज़रूरी नहीं कि वीडियो के नीचे ही आते हैं, समटाइम लाइफ में आपको कुछ ऐसे मिलते हैं, यार आपको बस इतना मेकअप है आपने क्या करना है, बस इतने कपड़े आपने क्या करना है, आपने इतनी ज्वेलरी ली हुई है। नहीं, ज्वेलरी का या मेकअप का ये मतलब नहीं कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं, समटाइम आपने अपने गिफ्ट देने होते हैं, आप उसको साइड पे रख सकते हैं, कुछ डील्स अच्छी चल रही हैं आप पिक कर लें, आपको पता है कि हाँ हमें फर्दर ये जो है इवेंट आ रहा है या किसी की बर्थडे आ रही है, हमें गेट टुगेदर है, हमने सरप्राइज़ किसी को कुछ देना है, तो उसमें आपका मिक्स एंड मैच चल जाता है। तो इसमें से भी मैंने कुछ आइटम्स हैं ऐसी जो मैं 2 से 3 पिक कर लूँगी जो मैंने किसी को गिफ्ट देनी है, जो मेरी मतलब किड्स में मेरे यूज़ हो जाएंगी, मुझे पता है। तो इस बिहाफ पे सिर्फ चीज़ें पिक ना करें भी हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको डील अच्छी मिल रही है तो पिक कर लेना चाहिए। ओके गाइस, फर्दर अब बाकी सबका अपना जो है वो है स्टाइल के किस बिहाफ पे आप शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो उस जगह मैंने आपसे बताया, आई होप कि आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे और मुझे अच्छे से कमेंट कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा। फिर मैं कह रही हूँ कि आपको सबसे प्रीटी कौन से लगे, मुझे बहुत ही प्रीटी लग रहे हैं सारे, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको पता है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करना है, और जो आपके बहुत क्लोज, वैसे तो सारे फ्रेंड बहुत क्लोज होते हैं, उनके साथ शेयर लाजमी कर दिया करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।